हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राम और मेरे यूट्यूब चैनल आर के विजन पे आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स, आज हमारे वीडियो के जो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज गुरु घासी दास यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एजुकेशन की जो प्रक्रिया है चालू हो गया है, जो स्टार्टिंग डेट आज से ही है, इसमें कैसे आप किस तरीके से इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस विषय पर आज हम वीडियो बना रहे हैं। फ्रेंड्स, आप आसानी से वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे इसमें अपना अप्लाई करना है। वैसे तो गुरु घासी दास फ्रेंड बहुत सारे कोर्सेज को कराता है, लेकिन आप इसमें सभी का प्रोसेस जो है एक सेम ही है। फ्रेंड, अगर आप एक को सीख गए तो सभी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम आपको फ्रेंड्स यही बताने वाले कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जीजीयू का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्मेट थोड़ा हार्ड होता है फ्रेंड, अपेक्षाकृत व्यापम का थोड़ा इजी रहता है, उसमें आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर जीजीयू में आप फॉर्म में अप्लाई करें तो हर एक चीज को अच्छे से बारीकी समझ लीजिए, उसके बाद इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए। फ्रेंड, इसके लिए आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे आपका आधार कार्ड है, टेंथ का जो रिजल्ट है, फोटो है, सिग्नेचर है, ये सब चीज अपने पास रख लीजिए। उसके बाद आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई के लिए प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड, इसके कुछ नियम भी उसको पढ़ लीजिए। जैसे कि अगर आप फोटो ले रहे हैं तो फोटो का जो साइज है फ्रेंड वो जेपीजी फॉर्मेट रहना चाहिए, प्लस वो जो है 50 KB के अंडर में, मतलब 50 KB से कम रहना चाहिए फ्रेंड, 50 KB से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। उसी प्रकार जो स्कैन सिग्नेचर है फ्रेंड वो भी जेपीजी फॉर्मेट रहना चाहिए, प्लस इसमें भी जो साइज को रिक्वायरमेंट है वो 20 KB का है फ्रेंड। तो इतना आप कर फोटो को रिसाइज करने, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ फ्रेंड, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ फ्रेंड आपको सबसे पहले क्या करना है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप प्रोसेस आप सिंपली फ्रेंड अपने डेस्कटॉप पे ही ट्राई कीजिए, क्योंकि मोबाइल पे आप अच्छे से देख नहीं पाते, क्योंकि अच्छे से क्लियर समझ नहीं आ पाता आपको। ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कई बार उसमें फॉर्म इरर होने का या फिर रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आप सिंपली अगर डेस्कटॉप है उसमें ट्राई कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड बेसिकली आप चलिए आप सबसे पहले क्रोम ब्राउजर इसको ओपन कर लीजिए फ्रेंड। अब जैसे यहाँ पे आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे एक नया टैब लेता हूँ मैं, आप स्टार्टिंग से करेंगे तो आपका नया टैब ही खुलेगा। अब यहाँ पे सर्च बार में सर्च कीजिए फ्रेंड जीजीयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जीजीयू करके आप सर्च करें तो भी आपका वहीं पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली एंटर पर क्लिक कीजिए। अब यह मिले जाएगा फ्रेंड जो गुरु घासी दास यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ले जाएगा। अब यहाँ पे ले जाने पर यहाँ जो फर्स्ट लिंक है फ्रेंड, जो इसी का ही सबसे मुख्य वेबसाइट है, बाकी सब अदर भी है, इसके हमें ध्यान नहीं देना है। हमें जो जिस चीज में अप्लाई करना है वो हमें यहीं पास मिलेगा। तो हमें सबसे फर्स्ट लिंक में यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है फ्रेंड। तो चलिए क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ इसका जो मेन वेबसाइट का जो डेस्कटॉप है ओपन हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे हमें जो काम की चीज देखना है वो है कि 2020 का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रक्रिया वो कहाँ पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो रनिंग हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो आएगा उसे हमें सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ को आप नोटिस भी दिया गया है, तो सिंपली फ्रेंड यहाँ पे फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करके लिखा है फ्रेंड, यहाँ पे इसी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे तीन चार ऑप्शन दिया रहेगा, दो तीन ऑप्शन कि यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन, अगर आप एक बार इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो इसमें लॉगिन करना, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक है। तो अभी हम आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके बताएंगे फ्रेंड। और यहीं पे साइड में दिया गया फिर डाउनलोड एडमिट कार्ड, अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो यहीं पे क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। अभी आप जैसे फर्स्ट बार न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, उसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से, क्या क्या बताया है उसमें पढ़ लीजिए यार, अपना थोड़ा टाइम देकर उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आपका आता है सबसे पहले आपका जो फॉर्म फिलअप करने का लोगो ओपन होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीजें हैं उसको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया वीटी, वीटी के अंदर में जैसे मैं अपने फर्स्ट में बताया था फ्रेंड की वीटी का फुल फॉर्म होता है विश्वविद्यालय इंटरेस्ट एग्जाम का, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो यूजी पीजी डिप्लोमा यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे क्लिक होने के बाद सेकंड में दिया फ्रेंड आप कौन से कोर्सेज के लिए गुरु घासी दास में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा दिया गया फ्रेंड, यहाँ सभी का प्रोसेस अप्लाई करने का सेम ही रहता है। अगर आपको और किसी का चाहिए तो वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी आपको बता दूंगा फ्रेंड, ठीक है। तो अभी आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड फार्मेसी के बारे में, बैचलर फार्मेसी और डिप्लोमा फार्मेसी। तो मैं डी फार्मेसी के बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में सिंपली क्लिक कीजिए फ्रेंड, आपको जिस सब्जेक्ट में, यहाँ पे डिग्री टाइप में दिया है तो आपको जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना है वो सब्जेक्ट को यहाँ से चूज करना है। तो मैं अभी फ्रेंड डिप्लोमा इन फार्मेसी में अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसमें आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट का नाम जो 10वीं के मार्कशीट में है। तो चलिए फ्रेंड मैं सिंपली उसका नाम एंटर कर लेता हूँ, राजेश साहू।
सिंपली मैंने अब उनका नाम एंटर कर दिया, फिर उनके पिताजी का नाम यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ राहुल साहू करके। अब सिंपली उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे जो राजेश उनका जो स्टूडेंट नेम है फ्रेंड, इसको आप 10वीं के मार्कशीट में उसी को देख के अप्लाई कीजिए, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को भी आप उसी को देख के अप्लाई कीजिए फ्रेंड। अब यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट होने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिया है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद फ्रेंड मोबाइल नंबर के बाद आप चेक कर लीजिए ठीक है या नहीं। इसके बाद सिंपली दिया फ्रेंड यहाँ पे जेंडर, तो आप अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपका दिया गया कैटेगरी, तो आप जिस भी कैटेगरी से वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, तो जैसे ओबीसी साहू ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी में क्लिक करना था। यहाँ पे दिया गया फ्रेंड की विजुअलिटी कुछ हैंडीकैप थोड़ी है, तो हमें तो हैंडीकैप अगर आप इनमें से कुछ भी अगर देखने में आपको परेशानी है, तो विजुअलिटी हैंडीकैप है, हेडिंग ऐसे कुछ अगर है तो इसमें आप क्लिक कीजिए। अगर नहीं है फ्रेंड, आपको कोई विकलांगता नहीं है, तो सिंपली आप नो पे क्लिक कीजिए फ्रेंड। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए फ्रेंड। यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपका रिलीजन पूछेगा, तो रिलीजन में आपको जो भी है मुस्लिम हिंदू जो भी है फ्रेंड यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं इनका हिंदू में, तो हिंदू में क्लिक करता हूँ फ्रेंड। अब यहाँ पे आ जाता है फ्रेंड कि आपका स्थानीय क्या है, नॉमिनेशनली क्या है, तो यहाँ पे आपका जो इंडियन है क्या है, तो यहाँ पे सिंपली इंडियन में क्लिक कीजिए फ्रेंड। अब इतना सब होने के बाद फ्रेंड एक बार आप चेक कर लीजिए किस नाम पे अप्लाई कर रहे हैं, नाम क्या है, 10वीं में आपका आपके फादर का क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या, मोबाइल नंबर, सब चीज़ आप अच्छे चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए फ्रेंड। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड थोड़ा लोड लेगा, लोड लेने का देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपका सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर अपने मोबाइल के कैमरे में कैप्चर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन यूजर आईडी दिया गया है, यही यूजर आईडी आपका बाद में कब काम आएगा, जब आप फॉर्म को और जैसे एडमिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड में आपका फ्रेंड ये डेट ऑफ बर्थ रहेगा, और यूजर आईडी में आपका रहेगा ये वाला जो ऊपर में दिया गया उसका फ्रेंड। मैं आपको एडमिट कार्ड के डाउनलोड कैसे करना उसके बारे में वीडियो बाद में बना दूंगा फ्रेंड, तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए फ्रेंड। अब यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो एक नया जो पेज है फ्रेंड यहाँ ओपन हो जाएगा। आपको इसमें दो ही पेज फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, जो फर्स्ट है और उसके बाद सेकंड पेज है फ्रेंड। यहाँ पे अपना मदर नेम डाल लीजिए फ्रेंड। मदर नेम डालने के बाद यहाँ पे आपका जेंडर ये सब तो हम पहले से फिलअप कर चुके हैं, यहाँ पे मदर नेम में वहाँ पे एंटर नहीं किए थे इसलिए यहाँ पे मंग रहे हैं। अब इतना करने के बाद फिर यहाँ पे एड्रेस पूछे, आपका एड्रेस डाल लीजिए बिलासपुर। अब यहाँ पे भी हम बिलासपुर डालते हैं फिर। आपका जो एड्रेस है उसको आप यहाँ पे डालिए, मेरा बिलासपुर है तो मैं बिलासपुर ही डाल रहा हूँ। यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए बिलासपुर का। अब यहाँ पे इतना कुछ होने का अपना पिन कोड डालिए फ्रेंड। यहाँ पे मैं पिन कोड दूसरा भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन आप अपना सही पिन कोड ही डालिए। अब उसके बाद यहाँ पे इतना कुछ होने का यहाँ पे स्टेट दिया है फ्रेंड, अपना सिंपली स्टेट छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल लीजिए फ्रेंड। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे इसको देख लीजिए कॉलम पे सब हो गया, एड्रेस बिलासपुर, यहाँ पे स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया फ्रेंड। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर हो गया है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल लीजिए फ्रेंड बिलासपुर, मेरा विलेज सब बिलासपुर, मैं बिलासपुर डाल रहा था। आपका जो है उसको आप उसके हिसाब से डालिए फ्रेंड। यहाँ पे अब इतना कुछ होने, फिर यहाँ पे पूछे फ्रेंड कि आप कौन सा स्टेट है, तो फिर छत्तीसगढ़ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे सेकंड आपने यहाँ पे लास्ट में आता है फ्रेंड आपका अपलोड इमेज करके, तो यहाँ पे दिया गया साफ साफ उन्होंने दिया गया फ्रेंड कि जो आपको फोटो का साइज है 20 से 50 KB के अंडर में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फोटो को रिसाइज करना, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा फ्रेंड, वहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं कैसे फोटो को रिसाइज करना है। और सिग्नेचर भी दिया गया फ्रेंड, यहाँ पे सिग्नेचर रिक्वायरमेंट मैं आपको बताया था कि 20 KB से नीचे में रहना चाहिए सिग्नेचर, और ये जो है 20 से 50 KB के अंडर में रहना चाहिए फोटो का। चलिए हम अपना फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अगर आपका जो फोटो का साइज है सही नहीं रहेगा तो यहाँ पे इरर दिखा देगा, तो आपसे चलिए सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड, हमारा फोटो सिग्नेचर सिंपली अब यहाँ पे एंटर हो गया फ्रेंड। अब यहाँ इतना कुछ होने के बाद जब आता है फ्रेंड यहाँ पे डिटेल ऑफ एग्जाम पे पास जो पास किया उसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन भरना है, तो यहाँ पे दिया गया फ्रेंड हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको यहाँ पर पूरा अपना सब चीज इन्फॉर्मेशन एंटर करना है। तो मैं आपको यहाँ पे क्रम से बताता हूँ, आप वीडियो को बिना स्किप करिए देखिए तभी तो समझ आएगा, नहीं तो
फिर आप गलती करेंगे तो आपको जब एक फॉर्म को सबमिट करेंगे तो बाद में आपको इसको इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे फ्रेंड, क्योंकि ये व्यापम का साइड में, व्यापम में आपको करेक्शन करने का साइड दिया जाता है, लेकिन ये दुर्भाषी दास में ऐसा कोई ऑप्शन अभी तक नहीं है फ्रेंड, तो आप इसको सुधार नहीं पाएंगे, तो प्लीज़ आप गलती बिल्कुल ना करें इस फॉर्म पे। तो चलिए फिर मैं आपको दसवीं का बता दूँ, तो दसवीं जैसे अगर आप CBSE से किए तो यहाँ पे CBSE के जो, चलिए मैं जिसका भर रहा हूँ तो वो CGBSE के, मैं तो यहाँ पे CGBSE लिखता हूँ, CGBSE। CGBSE में पासिंग ईयर डालता है फ्रेंड, तो जैसे मान लो 2014 में पास किया, 2014 अब यहाँ पे स्पेलाइजेशन जैसे टेंथ में तो ज़्यादा रहता है फ्रेंड, उसमें सब कॉमन रहता है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स सभी चीज़ रहते हैं उसमें, संस्कृत वगैरह सब चीज़ रहती है, तो इसमें जनरल लिख लेते हैं जनरल। अब इसके बाद यहाँ पे टोटल टेंथ में 600 का ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स, जितना अगर जैसे कितने में कितना पाना है फ्रेंड, तो आप मेरा टोटल 600 रहता है, उसमें आप कितना पाए है उसको यहाँ पे एंटर करना है, तो मैं 600 में यहाँ पे एंटर पाया हूँ, ऑप्टेन मार्क्स जो पाया उसमें 341 में यहाँ पे एंटर करता हूँ। आप यहाँ इतना कुछ होने के बाद सिंपली इसमें क्लिक करेंगे फिर तो इसका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसके बाद इसके हिसाब से आप डिवीजन को लिख दीजिए फिर, सेकेंड डिवीजन ठीक है ना, यहाँ पे सेकेंड बस लिख दीजिए, उसके बाद सिंपली आप ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ में भी आप CGBSE पे यहाँ पे वैसे लिखे थे CGBSE। अब यहाँ पे इतना करने के बाद फिर इसका एग्जामिनेशन ईयर पासिंग ईयर सेलेक्ट करिए फ्रेंड 2016, यहाँ पे आप जनरल नहीं लिखें क्योंकि आप ट्वेल्थ में क्या सब्जेक्ट लेके पढ़े हैं तो उसको यहाँ पे सिंपली आप लिखे, तो बस चूंकि वो बायोलॉजी वाले, तो उसको मैं बायोलॉजी में आप कितना, जैसे ट्वेल्थ में फ्रेंड्स 500 का मैक्सिमम मार्क्स जो होता है 500 का होता है, और जो टेंथ में मैक्सिमम मार्क्स 600 होता है, तो 500 में आप कितना पाया उसको यहाँ पे एंटर कीजिए फ्रेंड, टोटल मार्क्स में आप कितना पाया हो उसको एंटर करना है, और कितने का टोटल पूरे एग्जाम होता है उसको यहाँ पे एंटर करना फ्रेंड, और वैसे ही आप सिंपली इसमें क्लिक करें तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे आप इसका जो रिमार्क इसमें कौन से डिविजन उसको लिख दीजिए फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन, अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो फ्रेंड ग्रेजुएशन आप कौन से यूनिवर्सिटी से किए हैं, जैसे ये मैं जिनका फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो दुर्ग यूनिवर्सिटी से किया है, सिंपली मैं यहाँ पे दुर्ग यूनिवर्सिटी लिख दिया, आप अच्छे से इसको चेक कर लीजिए दुर्ग यूनिवर्सिटी, उसके बाद पासिंग 2019 में अभी फिलहाल पास किया फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको क्लिक कर देता हूँ। अब उसके बाद फ्रेंड आप यहाँ पे इसको लिखना है कि आप कौन से इसमें देखिए, अगर फार्मेसी में अप्लाई करें तो इसके लिए बेसिकली आपका बायोलॉजी ग्रुप का होना ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप लोग होंगे तभी मैथ्स और बायोलॉजी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपली अगर ग्रेजुएशन पास किए तो या तो BSc से किए होंगे फिर मैथ्स से किए होंगे, तो अगर आप BSc से किए होंगे तो आप यहाँ पे सिंपली BSc पे BSc एंटर कीजिए फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे आप BSc में आपने देखा होगा फ्रेंड ये जो 1800 का दुर्ग यूनिवर्सिटी में, अदर में मुझे पता नहीं दुर्ग यूनिवर्सिटी में 1800 जो ऑप्टेन मार्क मैक्सिमम मार्क्स होता है इसमें 1800 होता है, अब 1800 में आप कितने मार्क्स को पाए हैं यहाँ पे एंटर करना फ्रेंड, तो 1800 में चलिए मैं 1000 मार्क्स में उसको एंटर कर देता हूँ, आप सिंपली फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे फिर अपना जो डिवीजन उसको लिख दीजिए फ्रेंड, ठीक है। अब इतना कुछ होने के बाद फ्रेंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट इसको यहाँ पे एंटर कर दिए, आप अगर इनमें से और कोई है गेट का एग्जाम दिलाए हैं, GPAT का है, नीट का है, GRF का है, तो इसको भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, और अगर इसके अलावा कुछ है तो इन्हीं पे यहाँ पे क्लिक करके आप उसको फिल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मैं अभी आपको फिलहाल 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का ही अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब इतना कुछ होने के बाद फ्रेंड यहाँ पे सिंपली आप आ जाइए, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, इसको कुछ नहीं करना, डिप्लोमा फार्मेसी आपने जो वहाँ फर्स्ट में सेलेक्ट किया वही है। उसके बाद यहाँ पे आता है फ्रेंड आपका एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर बेसिकली आपको ध्यान देना है फ्रेंड आपको कहाँ कौन से एरिया जो पास पड़े उसको एग्जाम सेंटर चयन करना है, यहाँ पे कुछ ही दिया गया फ्रेंड पूरा अपने 28 जिले उसको उसके बारे में दिया गया, तो आप कुछ उसी जैसे बिलासपुर का बिलासपुर में, रायपुर में है, जगदलपुर में है, तो सिंपली चलिए मैं आपको बताने के लिए बिलासपुर में सिंपली क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड। अब बिलासपुर में आपने क्लिक करेंगे हमारा एग्जाम सेंटर जो है बिलासपुर ही है फ्रेंड। अब उसके बाद यहाँ पेमेंट मेथड में ऑनलाइन पेमेंट है, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट ही होगा पेमेंट, तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कीजिए। इतना सब कुछ होने के बाद फ्रेंड आप सबको एक बार और अच्छे से चेक कर लिए कोई गलती वलती थोड़ी है किसको, हमारे जितने फॉर्म सब फिलअप है ना, उसके बाद चेक करने के बाद आपको सिंपली कुछ ना सेव एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करना फ्रेंड। अब जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद एक नया पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसमें आपको कुछ कुछ और फॉर्म फिलअप का जो इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, इसमें आप सिंपली क्लिक करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे आपका दिया है मेक पेमेंट, कैंसिल ट्रांजेक्शन, प्रिंट एडमिट कार्ड, तो प्रिंट एडमिट कार्ड में एडमिट कार्ड जो प्रिंट नहीं होगा फ्रेंड। अब यहीं पे साइड में आप एक बार और देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया, यहाँ पे आपका दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया, ऑनलाइन पेमेंट दिया गया, प्रिंट फॉर्म डिटेल दिया गया, एक बार ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है उसके प्रिंट फॉर्म जो फॉर्म है उसको प्रिंट कर सकते हैं, यहीं पे आपका दिया गया है प्रिंट एडमिट कार्ड फ्रेंड। तो
तो यहाँ पे आपका पूरा अगर एक बार आप इसमें पेमेंट करने के बाद लॉग इन हुए तो आपका पूरा जो डाटा बेस है यहीं पास आपका सेव होगा फ्रेंड। तो चलिए मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करके आपको बताता हूँ कि आपके यहाँ पे ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है उसको कैसे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कीजिए फ्रेंड। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको ले जाएगा आपको जो ट्रांजेक्शन वाला गेट पे है वहाँ पे आपको ले जाएगा। अब यहाँ पे आप आ गए फ्रेंड, यहाँ पे आपको कुछ कोड दिया गया है, यहाँ पे राजेश साहू जो आपका पेयर नेम है, जो अमाउंट पेड कर रहे हैं, यहाँ पर ईमेल आईडी है, आपका मोबाइल नंबर है। अब यहाँ पे आप इन इन तरीकों से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं फ्रेंड। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, इन छह में से कोई भी से आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डेबिट कार्ड से बताता हूँ फ्रेंड। डेबिट कार्ड जैसे यहाँ पे करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर डालिए जो भी आपका नंबर है। डेबिट कार्ड नंबर जानने के बाद फ्रेंड अब यहाँ पे सिंपली आपका कार्ड होल्डर नेम जो भी बैंक का नाम है, यहाँ पे एक्सपायरी नंबर डालिए और यहाँ पे अपना सीसीवी नंबर डालें। सीसीवी नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पे 504 रुपये दिखा रहे हैं, यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कीजिए। अब जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे फिर पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको जो है इसका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक आपके सामने एक नया विंडो पे ओपन हो जाएगा। नया विंडो पे ओपन हो जाने के बाद आपको सिंपली उसको डाउनलोड करना है फ्रेंड। डाउनलोड करने के बाद उसको अपने किसी भी चीज़ जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर में या अपने फोन पे स्टोर पे, वहाँ पे रख लीजिए। और उसमें जो यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाता है, मैंने आपको बताया पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, यूजर आईडी जो वेबसाइट जनरेट करता है, यही दोनों से आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसको आप यहाँ पे री एंटर योर यूजर नेम और एंटर यहाँ पासवर्ड करके आपका डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड और अपना यूजर नेम वहाँ पे जो जनरेट किया उसको एंटर करके लॉग इन करेंगे तो फ्रेंड आपका सिंपली यही वाले पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे फ्रेंड। तो आपका अभी तो काम नहीं आएगा फ्रेंड, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के समय सब चीज़ काम आएगा, तो इसको आप संभाल के रखें। तो इतना कुछ करने के बाद फ्रेंड सिंपली पे नाउ पे क्लिक कीजिए। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद मैं तो अभी यहाँ पे नाउ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अप्लाई करने के लिए नहीं है। तो आप पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका बैंक में जिस भी एटीएम आपका जो भी बैंक से जुड़े हुए ओटीपी आएगा उस ओटीपी को एंटर कीजिएगा। एंटर करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा फ्रेंड, उसको आप रखेंगे। तो आई होप दोस्तों मेरा जो वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है फ्रेंड, तो आप अपने कोई भी चॉइस सेंटर वहाँ पे तो आप नहीं जा पाएंगे फिर, ऑनलाइन जो सेंटर वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, तो आप घर में बैठे ही आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई तो आप कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।